टीजर्स. सो टीजर्स पे इतना कुछ आ गया था कि कुछ लोग थोड़े एंटाई हो गए थे कि ओ ये क्या होने वाला है, सोच रहे थे, बहुत सारी स्पेकुलेशंस आ रही थी. सो अब हम समीरा से बात करते हैं उन स्पेकुलेशंस के बारे में जो बहुत सारी आई और अब आगे जितने एपिसोड्स हो गए. एक चीज़ जो आपको क्लिक की जब आपने ये स्क्रिप्ट देखा और आपने इसको येस किया, अदर देन वॉज इट लाइक वॉज इट जस्ट द टॉपिक और वट वॉज इट दैट वन थिंग जो आप कहती हो कि यार इस वजह से मैंने इस ड्रामे को हाँ की. आई थिंक वो यही वजह थी कि उसके साथ जो भी हो रहा है, वो इतनी स्ट्रांग लड़की है कि वो उठ के खड़ी हो गई. वो रोने धोने वाली नहीं है, वो आज की लड़की है. जैसे मैं हूँ, जैसे जैसे आपको आप हैं, जैसे आजकल की जैसे लड़कियाँ सब होनी होना चाहिए, चाहिए. यस जैसे आजकल की होनी चाहिए. और आई थिंक एज एन एक्टर या मीडिया में काम करने का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी भी है, कि क्योंकि लोग हमें बहुत फॉलो करते हैं, लोग टीवी ड्रामास बहुत देखते हैं, तो आई थिंक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमें उन्हें वही दिखाया जाए. क्योंकि यहाँ पे ना अडॉप्ट कर लेते हैं फॉरन से, उस चीज़ को पिक कर लेते हैं कि अच्छा ये हो रहा है. तो लेकिन सबको ये भी पता होना चाहिए कि हमारी सोसाइटी में ऐसे लोग भी हैं, ऐसी लड़कियाँ भी और हैं, बिल्कुल हैं. बिल्कुल है, बिल्कुल है. तो मुझे लगा कि मैं अपने काम के थ्रू अगर ये मैसेज दे दूँ या कुछ चेंज लेके आऊँ, तो इससे बड़ी मेरे लिए और कोई बात नहीं होगी. मैंने किसी से ना मैं मिली, ना मैंने स्टडी किया, ना मैंने ऐसा कुछ देखा. वो मैंने खुद कंसीव किया हुआ था, खुद मैंने सोचा था. मैंने डायरेक्टर से डिस्कशन ज़रूर की थी, उन्होंने भी मुझसे बहुत की थी, हम लोगों ने बहुत ब्रेन स्टॉर्मिंग की है. सेंस अगेन मैं बोलूँगी कि टॉपिक बहुत सेंसिटिव बहुत था, सेंसिटिव तो था. मैं उसकी छोटी छोटी चीज़ों का बहुत ख्याल रखना था कि कोई भी चीज़ एक इधर से उधर हो जाए इधर से और आप पकड़ में आ जाते हैं. और हमें उनकी अगेन बहुत दिल अजीब सा आ रहा है बोलते हुए, जो असल विक्टिम्स हैं उनकी रिस्पेक्ट रखते हुए हमें चीज़ बनानी थी. और मैंने किया ही उन सब के लिए कि क्या पता मेरी वजह से किसी को बहुत हिम्मत मिल जाए. ऐसी कई लड़कियों को, सिर्फ रेप विक्टिम्स को नहीं, और भी जितनी लड़कियां हैं जो अपनी फाइट, अपने राइट्स के लिए फ़ाइट करने से फाइट डर रही करती हैं. होती, घबरा रही होती हैं और उनको हिम्मत नहीं मिल रही होती. तो जब मैंने खानी किया था, तब मुझे मैसेजेस आते थे डायरेक्ट लड़कियों के कि आई वाज थैंक यू गोइंग सो टू मच आस्क. फॉर, हाँ, बीइंग इंस्पिरेशन. आपको नहीं पता आपने ये करके हमें कितनी हिम्मत दी है. और कोई ये भी कहता है हमारे तो फादर भी नहीं, हमारे भाई भी नहीं, मैं अकेली हूँ. जैसे खानी अकेली है और वो सब कुछ कर रही है, लेकिन आपकी वजह से मुझे बहुत हिम्मत मिली. और तो वही ये ड्रामा मैंने इसीलिए किया कि मैं चाहती हूँ कि लड़कियों में हिम्मत है, हिम्मत लड़कियाँ है बिल्कुल. इंडिपेंडेंट हों और लड़ें, चुप ना रहें, डरे नहीं. क्योंकि हम जितना डरेंगे उतना ही उनको शय मिलेगी ऐसे लोगों को. और लोग कहते हैं ना कि नहीं चुप करके बैठ जाओ, हमारी बदनामी हो जाएगी. मैं फिर वही बात कहती हूँ कि बदनामी उनकी होनी चाहिए जिन्होंने गलत किया, जिन्होंने ज्यादती की है. ज्यादती की है तो इसको बिल्कुल. टैबू बना दिया ना. बना दिया. अब आपका आपका ख्याल है कि आफ्टर दिस ड्रामा वो उस चीज़ पे जो आप करना चाह रही हो वो होगा, मतलब इतना इम्पैक्ट, बिकॉज इम्पैक्ट तो बहुत हो रहा है. कोई आपको ऐसी कोई जैसे आप इनबॉक्स में आपको खाने के बाद आई, इसके बाद भी कुछ ऐसी और ख्वातीन ने आपको किया? बहुत मैसिव रिस्पॉन्स आया है, बहुत अच्छा. मतलब दुनिया भर से, मैं मतलब इतने अलग अलग मुल्कों से हैं. मुझे इतना तो पहले कभी किसी ड्रामे में इतना फीडबैक इतना ज़्यादा नहीं मिला. मैं कल ही बहुत सारे मैसेजेस पढ़ रही थी, और मैं कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैंस की ना चीज़ें शेयर करूँ अपने सोशल मीडिया पे. और जो मैं करती भी, जिनका नहीं करती उनका यहीं से थैंक यू सो मच कि आपको मेरा काम अच्छा लगा रसोई में. तो मैं कल मैसेजेस पढ़ रही थी, तो उसमें ये भी था कि थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ ग्रेट रोल मॉडल, एंड वी लव समीरा, वी वांट टू बी लाइक समीरा. और थैंक यू सना कि आपने इस तरह का रोल किया और हमें इतना कुछ सीखने को मिलता है, आप एक इंस्पिरेशन हैं. और जब वो रोल मॉडल उन्होंने कह दिया, फिर मैंने बोला आई थिंक यस. ओके, द फादर एंड द डॉटर बॉन्ड. करते अच्छे. मैं उनको असली लाइफ में भी, मैं साहब को अब्बा ही कहती हूँ. आई एम वेरी क्लोज टू हिम, तो आई थिंक वो वही केमिस्ट्री वो नज़र आ रही है. क्योंकि अब मेरे उनके जो सीन्स थे ना, वो लिखे हुए नहीं थे, अच्छा वो हम वो खुद ही एक्सटेम्पोर करते थे. और जो हमें नेचुरल लगता था ना, जैसे हम एक दूसरे उनको, जैसे मैं उनके साथ हूँ ना, वो हम लोग वही करते थे. जब ये वाला सीन हो रहा था, किडनेपिंग वाला, अब्डक्शन वाला, तो एक तो वो फिजिकली इतना ड्रेनिंग था, मेंटली उससे भी ज़्यादा. क्योंकि हम लोग सपोर्ट करने से पहले बोल रहे थे, मुझे अब्बा कह रहे थे और मैं उनको भी कह रही,
I'm dreading. मैं ये हम कैसे करेंगे, ओ गॉड बस कितने लम्बे हो जाए, क्योंकि वो उनका खुद उनको दर्द हो रहा था ये सीन करते हुए. और जब वो वाला जब सीन था ना कि मैं गाड़ी में उन लोगों ने मुझे खींच लिया और मेरा हाथ उन्होंने पकड़ा हुआ है, वो असली में रो रहे थे अहमद साहब और वो मेरा हाथ नहीं छोड़ रहे थे. पीछे से डायरेक्टर कह रहे हैं अहमद हाथ छोड़े. मैं कह रही हूँ अब्बा मेरा हाथ छोड़े, क्योंकि वो जो लड़के थे उन्होंने आगे से गाड़ी चला देनी थी और दरवाज़ा खुला हुआ था, मेरा हाथ ही छोड़ा, मैं नीचे गिरती जोर से. तो वो इतने सीन में चले गए थे और मैं, वो मुझे अपनी बेटी ही समझते ना, तो उन्होंने कहा मैं नहीं तुम्हें जाने दे सकता था इस तरह से. मैंने कहा अब्बा इट्स ओके, हम लोग सिर्फ सीन कर रहे हैं. फिर मैं उनको हग किया, गले लगा. सारे सीन में कितना टाइम, लाइक हाउ मच टाइम डू यू गाइस टेक? या वो सीन आई एम श्योर एक ही गो में हुआ होगा बिकॉज इतनी इंटेंसिटी वाला. वो हमें टाइम लगा था आई थिंक 2-3 घंटे. ओह गॉड, या बिकॉज इट वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट सीन, उसको बड़ा ट्रीटमेंट के साथ हमने करना था. उस सीन में एक मुझे, अब जस्ट टू बी ऑन द लाइटर साइड, मुझे हो रहा था कि भाई तो अंदर चाबी लेने गया, वो रह क्यों गया, पूरा हो गया खिंचन तानी होगी, मैं कह रही हूँ वो क्यों नहीं बाहर आ रहा, ओसामा क्यों नहीं बाहर आ रहा, ओसामा क्यों नहीं बाहर आ रहा, क्या पता उसकी चाबी वेटर ने उठा ली हो, वो उधर गया हो, जी मेरी चाबी यहाँ थी आपने देखी. लेकिन ये मेरे सेकंड्स हुआ ये सब. आई नो, हमने लाइक आप सोचते हैं तो कहते हैं कि वो इतनी स्प्लिट सेकंड में हुआ होगा कि वो भाई तब तक बाहर भी नहीं आया, वो भी नहीं हुआ, बिल्कुल वो विद इन सेकंड्स हुआ, वो कि ही डिडंट टीवी पे चीज उसको थोड़ा हमने हाई स्पीड रखा हुआ था, हाई स्पीड विच इज स्लो मोशन, तो इसलिए वैसे लग रहा था बहुत. तो हमें एक एक चीज उसमें ऑडियंस को दिखानी थी कि क्या क्या हो रहा है, उसको थोड़ा सा ना टीवी के लिए करना पड़ता है इतना. लेकिन वो असल में वो हुआ है कोई चंद सेकंड्स का, वो था कि उसने खींचा और अब कोशिश करे और बस लेके चले गए. अल्लाह माफ करे. एक्चुअली वही एज यू सेड कि जब ऐसा खुदा ना सब होता है, अल्लाह ना करे किसी पे ऐसा टाइम आए, बट इंसिडेंट्स व्हेन यू हियर आल्सो इट इज़ अ स्प्लिट सेकंड थिंग, एक्चुअली इट इज़ विद इन मिनट्स, यू नो वो सब. ओके हाँ ओके लेट्स. अच्छा एक मैं ब्रूस वाइट, स्ट्रेस होता है ना, स्ट्रेस होता है ना, जब तुम कह रही थी ना कि इवन यू सेड कि यू इवन तुमने इतना स्ट्रेस ले लिया था कि यू इनको भी पता है. और जो लोग मुझे कॉल कर रहे थे फॉर द इंटरव्यू, तो खैर शी इज़ माई वेरी क्लोज फ्रेंड बट शी नोज इट. तो बात ये थी कि मैंने इस चीज़ का इतना स्ट्रेस लिया था और मुझे इतना डिप्रेशन हुआ था, तो मैंने कल एक जगह पढ़ा कितनी फेक हो रही है ना इसको, डिप्रेशन तो नहीं लगता कि हुआ होगा. एक्सक्यूज़ मी, जिसके साथ होता है ना, अब मैं यहाँ पर तो मरी भी नहीं बैठी होंगी ना. आई मीन प्लीज़, मुझ पे गुजरा है, मुझे पता है, मुझे किसी को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है. बट जो मुझसे प्यार करते हैं मेरे फैंस, मैं उनको बता रही हूँ कि ये सारा स्ट्रेस आपका यहीं पे आता है ना, तो ये सब ऐसा लग रहा था है ही नहीं ना कुछ. और वो दर्द, वो पेन, जो उस डिप्रेशन, उस स्ट्रेस और ये वाले रोल, ये वाला कैरेक्टर करने की वजह से मुझे हुआ है, वो मैंने सहा है 4 महीने. उसका जो एक आफ्टर इफेक्ट था वो करने के बाद हो रहा था, मुझे उस तक समझ नहीं आ रहा था. जब मेरा हम लोग का लास्ट डे ऑफ शूट था, उसके बाद से मैं बीमार होना शुरू हो गई थी, क्योंकि हमने ये वाला जो सीक्वेंस था, ये किडनैपिंग और यू नो वो वापस आई, वो हमने बहुत लास्ट में किया है. ओके, क्योंकि हम करना चाहते थे वो आखिर में. तो क्योंकि मुझे, मैं बहुत बोर रही थी कि मैं कैसे करूँगी. और वो जब मैं वो सोचती थी ना, मुझे और कोई किसी सीन पर स्ट्रेस नहीं होता था, सिर्फ ये जो पूरा एक वो था ना, एक एपिसोड जो दिखाना था उसमें. तो उसके बाद से ना मुझसे कुछ हो रहा है, मैं पेन में ना, मैं मतलब मैं चल भी नहीं सकती थी, मतलब मुझे इतना था. मैं चलती थी और वो सब मेरा दर्द शुरू हो जाता था. एंड योर रियल फैमिली एज यू सेइंग के डू दे वॉच द ड्रामा विद यू, आप साथ बैठ के उनके देख रही हो? नहीं, ओके. एपिसोड आई है, मैं नीचे गई हूँ कहीं जाने के लिए, तो मैंने देखा कि नीचे लाउंज में मेरी बहन रो रही है. अच्छा, रो रही मैं अंदर के कमरे में, अम्मी इमोशनल हुई भी, अब्बू की आंख में आंसू भरे. मैंने बोला उफ अल्लाह, आप लोग, मैंने मना किया, सारों ने पकड़ के तुम्हें हग नहीं दिए. हाँ, बहुत जोर से उसने, मैंने कहा इट्स ओके, ये सिर्फ एक्टिंग और ये ड्रामा है, कैरेक्टर में थी मैं. अम्मी अब्बू को, और मैंने सबको बोला हुआ था कि आप लोगों को ये ड्रामा नहीं देखना, ये आप लोग के देखने का नहीं है. तो टैबू बना दिया ना, बना दिया. अब आपका ख्याल है कि आफ्टर दिस ड्रामा वो
उस चीज़ पे जो आप करना चाह रही हो वो होगा, मतलब इतना इम्पैक्ट, बिकॉज इम्पैक्ट तो बहुत हो रहा है. कोई आपको ऐसी कोई, जैसे आप इनबॉक्स में आपको खाने के बाद आई, इसके बाद भी कुछ ऐसी ख़वातीन ने आपको किया? बहुत मैसिव रिस्पॉन्स आया है, बहुत अच्छा. मतलब दुनिया भर से, मैं मतलब इतने अलग अलग मुल्कों से हैं, मुझे इतना तो पहले कभी किसी ड्रामे में इतना फीडबैक इतना ज़्यादा नहीं मिला. मैं कल ही बहुत सारे मैसेजेस पढ़ रही थी, और मैं कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैंस की ना चीज़ें शेयर करूँ अपने सोशल मीडिया पे. और जो मैं करती हूँ जिनका नहीं करती, उनका यहीं से थैंक यू सो मच कि आपको मेरा काम अच्छा लगा रसोई में. तो मैं कल मैसेजेस पढ़ रही थी, तो उसमें ये भी था कि थैंक यू सो मच फॉर बींग अ ग्रेट रोल मॉडल एंड वी लव समीरा, वी वॉन्ट टू बी लाइक समीरा. और थैंक यू सना कि आपने इस तरह का रोल किया और हमें इतना कुछ सीखने को मिलता है, आप एक इंस्पिरेशन है. और जब वो रोल मॉडल उन्होंने कह देना, फिर मैंने बोला आई थिंक यस. ओके, द फादर एंड द डॉटर बॉन्ड. अच्छा, मैं उनको असली लाइफ में भी, मैं साहब को अब्बा ही कहती हूँ. ओके, आई एम वेरी क्लोज टू हिम. ओके, तो आई थिंक वो वही केमिस्ट्री नजर आ रही है, क्योंकि मेरे उनके जो सीन्स थे ना वो लिखे हुए नहीं थे. अच्छा, वो खुद ही एक्सटेंड फोर करते थे, और जो हमें नेचुरल लगता था ना, जैसे हम एक दूसरे को, जैसे मैं उनके साथ हूँ ना, वो हम लोग वही करते थे. ओके, जब ये वाला सीन हो रहा था किडनैपिंग वाला, अबडक्शन वाला,